नीतीश कुमार पर भड़कल उपेंद्र कुशवाहा जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कैले तो बहुत सारा बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने बोल रहे। उपेंद्र कुशवाहा कहे के रहे कि रोज गाली दे रहा है सब, तो आपको अच्छा लग रहा है ना नीतीश जी। कुशवाहा आखिर सच का है बोल रहे, आई खबर के विस्तार से जाना जाओ। पहले रौरा अगर हमारा चैनल पर नया बानी तो चैनल का जरूर सब्सक्राइब करी। नमस्कार, हम संजीव रोवा देखा था बिहारी न्यूज भोजपुरी। बिहार से बड़का खबर सामने निकल के आ रहा बा, कल पटना में भइल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के जितना अंदरूनी बात रहे सब लोग के सामने रख दल। जब मीडिया लोग से बातचीत करत रहे उस समय में, जब मीडिया वाला पूछलस कि आखिर का डील भइल बा, तो डील के बारे में कहले कि डील के बारे में तो हमारा कोनो जानकारी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में बहुत बड़ा पोल भी खोल दल। नीतीश कुमार के बारे में उनका कहे के रहे कि नीतीश कुमार के पार्टी में हम गए ना रहनी जबकि हमरा के बोलावल गए रहे, और जौन नीतीश कुमार हमरा के पलटू कहते रहे वो खुद नीतीश कुमार खुद पलटू राम बाड़े। उनकर आदत बा कि हर साल पार्टी बदलल, हर साल एगो पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी में गए। जौन आरोप हमरा पर लगा रहा बड़े, ये आरोप लगावे से पहले कम से कम उनका एक बार अपना में झाँक के जरूर देखे के चाहिए कि जौन कहते रहे तो हम सही कहते रहे कि गलत कहते रहे। आपके बता दें कि बिहार में चिराग पासवान भी उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में बाड़े, और जदयू और आरजेडी के बीच में घमासान पहले से तैयार बा, जाना कि आवे वाला लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव खातिर, खास करके महागठबंधन खातिर ये बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जैसे कल उपेंद्र कुशवाहा के बयान आए रहे, ओकरा हिसाब से अगर देखल जाओ तो बीजेपी में आवे वाला समय में महागठबंधन काफ़ी कमजोर भी नजर आ रहा बा। आपके बता दें कि चिराग पासवान के साथ साथ आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब लोग महागठबंधन के खिलाफ में जा रहा बा, जौन कि आवे वाला समय में महागठबंधन खातिर बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। नीतीश कुमार के ऊपर भड़कते भड़कते आखिर लास्ट में जितना भी बात रहे सब नीतीश कुमार के खिलाफ जहर उगल ले। हालांकि उनका ये भी कहल कर रहे कि जदयू के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और हमरा से अभी भी जदयू के संबंध खराब नहीं है भाई। तो अब देखिए आवे वाला समय में आखिर होत का बा, कमेंट में जरूर बताए लोग खबर कैसा लागल। तब तक खातिर धन्यवाद, आगे खबर खातिर हमारा चैनल बना रही लोग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।